आज हम लोग i20 डीजल का टाइमिंग के बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि इसका टाइमिंग कैसे बांधा जाता है, दिखाते हैं इसका कहां कहां मार्कर रहता है। पहले आप लोगों को बताते हैं इसका केम का टाइमिंग। केम का टाइमिंग देख सकते हैं, एक यहां कलर से कलर मिला लेना है और एक यहां कलर से कलर मिला लेना है। और इसका हाई प्रेशर का टाइमिंग बताते हैं। हाई प्रेशर में टाइमिंग नहीं होता है, सिर्फ दोनों को मिलाने के लिए टाइमिंग दिया जाता है। देख सकते हैं ये जो चैन है और ये चैन, दो चैन है, एक क्रैंक में गया, क्रैंक को घुमाया इसको हाई प्रेशर, हाई प्रेशर से फिर गया ऊपर केम की ओर। इसका दोनों का सिस्टम है और दोनों का टाइमिंग दिखाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर ही, यहाँ TDC जो पोजीशन है, यहाँ लिखा हुआ है TDC को यहाँ पर ही कलर को ले लेना है। और एक क्रैंक में भी छोटा सा गोल सा एरो है, देख सकते हैं। देखिए यहाँ दिख रहा है, छोटा सा दिख रहा होगा, हाँ यहाँ देख सकते हैं। इसको कलर पे ले आना है और TDC के सामने एक नंबर पोजीशन हो गया ये। आओ बताते हैं इसका, इसका कलर देखिए, यहाँ से इसको पंप में मिला देना कलर से कलर, और हाई प्रेशर को बाहर वाला जो काटा रहता है उससे केम की ओर चैन की चैन ले जाना है, और इस कलर से और इस कलर से दोनों को मिला देना है। बाकी इसका टाइमिंग यही है। आप लोग को कभी भी टाइमिंग बांधना हो तो ऐसा ही बांधिए।